Welcome back, children. Priya Miss is here. I hope you all have enjoyed doing watercolor painting. Today, I am here again with one more Hindi story named Tap Tapak. This story is about the importance and need of water. Today, you are going to listen an interesting story about some animals and their problems. And how they solved their problems. Let's see the animals which are there in this story. Hathi, sher, bhediya, hiran, khargosh, kachua. हम इन जानवरों के बारे में जानकारी लेंगे. हाथी जंगल में रहता है और आमतौर पर छोटी टहनियाँ, पत्तियाँ, जंगली फल खाते हैं. पालतू हाथी रोटी, केले, गन्ने आदि भी खाते हैं. आजकल ये लोगों के द्वारा भारी सामान को उठाने जैसे कार्य भी करते हैं. पुराने ज़माने में ये राजा महाराजाओं द्वारा युद्ध और लड़ाइयों में प्रयोग किए जाते थे. हाथी की आयु लगभग 100 वर्षों से भी अधिक होती है. हाथी पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. शेर एक जंगली जानवर है. यह जंगल का राजा कहलाता है. शेर बहुत शक्तिशाली होता है. पूरे जंगल में कोई इससे खतरनाक जानवर नहीं है. सभी जानवर शेर से डरते हैं और इससे दूर रहना पसंद करते हैं. भेड़िया एक कुत्ते के रूप का जंगली जानवर है. यह अकेले शिकार नहीं करते. यह झुंड बनाकर हिरण, गाय जैसे चरने वाले जानवरों को शिकार करते हैं. हिरण का रंग हल्का भूरा होता है. इसके ऊपर छोटी छोटी सफ़ेद रंग की धारियां होती है. हिरण घास, छोटे पेड़ पौधे खाते हैं. यह दौड़ने में भी बहुत तेज होते हैं. यह रात में भी देख सकता है. इसके सूंघने की क्षमता बहुत अधिक होती है. यह कछुआ है. इसका ऊपरी भाग बहुत ही मजबूत होता है जो एक कवच की तरह काम करता है. कछुआ ही एकमात्र ऐसा जीव है जिसके दांत नहीं होते हैं. यह पानी और जमीन पर रहते हैं. यह बहुत धीरे गति से चलते हैं. खरगोश के कानों की लंबाई अधिक बड़ी होती है. इसके दांत लगातार बढ़ते हैं और सामने के दो दांत सभी दांतों से बड़े होते हैं. चलो अब कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाओ. हमारे कहानी का नाम है टप टपक. एक जंगल में शेर, हाथी, हिरन, लोमड़ी, छोटे बड़े सभी तरह के जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे. उस जंगल में एक तालाब था. तालाब में एक बूढ़ा कछुआ, मेंढक, मछलियाँ और कुछ अन्य जानवर रहते थे. जंगल के सभी जानवर तालाब पर जाकर पानी पीते थे. एक बार बहुत गर्मी पड़ी. तालाब में पानी धीरे धीरे सूखने लगा. पानी के कम होने से सभी पेड़ पौधे सूखने लगे. इससे जानवरों को भी परेशानी होने लगी. इस समस्या के समाधान के लिए सभी जानवरों ने मिलकर एक सभा बुलाई. सभा में सभी जानवर हाथी, शेर, लोमड़ी, हिरन, खरगोश इत्यादि आए. शेर ने सभा में कहा, पानी के कम होने की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. अगर किसी के पास कोई सुझाव है तो वह सभा में अपना सुझाव दे सकता है. सब सुझावों पर सोच विचार करके निर्णय लिया जाएगा. सबकी सहमति से यह निर्णय लिया गया कि कुछ जानवर पानी की तलाश में
दूसरे जंगल जाएंगे। तभी कछुआ बोला, थोड़े दिन की बात है, जब टप टपक आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। शेर ने पूछा, ये टप टपक कौन है? कछुए ने जवाब दिया, जब वह आएगा तब सबको पता चल जाएगा। सभी जानवर कछुए की बात सुनकर हैरान हो गए। हाथी तालाब पर गया और उसने कछुए से पूछा, कौन है ये टप टपक? वह कब आएगा और कैसे आएगा? कछुए ने कहा, आएगा भाई आएगा, जब टप टपक आएगा तब सबको पता चल जाएगा। आएगा भाई आएगा, जब टप टपक आएगा तब सबको पता चल जाएगा। अगले दिन शेर ने कछुए से पूछा, कौन है ये टप टपक और कैसा दिखता है? मैं उसे कैसे पहचानूंगा? बूढ़े कछुए ने जवाब दिया, आएगा भाई आएगा, जब टप टपक आएगा तब सबको पता चल जाएगा। इस तरह सब जानवर एक एक करके बूढ़े कछुए से टप टपक के बारे में पूछने गए, पर किसी को पता नहीं चल पाया कि टप टपक आखिरकार कौन है। सभी जानवर कछुए से पूछ पूछ कर परेशान हो गए। सभी जानवर अपनी परेशानी का समाधान चाहते थे, इसलिए फिर से सभा बुलाई गई। सभी जानवरों ने सोचा कि शायद कछुआ गलत कह रहा है। हाथी ने कहा, टप टपक कोई नहीं है, हम सब पानी की तलाश में कहीं और चलते हैं। कछुआ भी धीरे धीरे चलते हुए सभा में पहुंचा और कहने लगा, टप टपक अब आने ही वाला है, आप सबको अब थोड़ा ही इंतजार करना है। कुछ जानवरों ने कछुए की बात मान ली, लेकिन कुछ जानवर पानी की तलाश में दूसरे जंगल की ओर जाने लगे। कछुए ने अपना सिर ऊपर उठाकर आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया। उसे मुस्कुराते देख भेड़िए को गुस्सा आ गया और वह गुर्रा कर कुछ कहने वाला था कि गड़गड़ाहट की आवाज आई, तेज हवा चलने लगी और अंधेरा हो गया। सूखे पत्तों पर जोर से बारिश की बूंदें गिरने लगी और टप टपक की आवाज आने लगी। सारे जानवर समझ गए कि बूढ़ा कछुआ बारिश का इंतजार करने के लिए कह रहा था। वे खुशी से नाचने लगे। सबने मिलकर बारिश में खूब मजे किए। जो जानवर दूसरे जंगल जाने लगे थे वे लौट कर आ गए। तो बच्चों, इस कहानी में हमने समझा कि जंगल के सभी जानवर किस तरीके से अपनी समस्या का उपाय ढूंढते हैं। इसी प्रकार हमें भी जब कोई परेशानी या समस्या हो तो हमें भी अपनी समस्या का उपाय ढूंढना चाहिए। और हमने यह भी देखा कि पानी सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं तो जानवरों के लिए भी आवश्यक है। पानी के बिना दुनिया के सभी जीव मर सकते हैं, इसलिए कहते हैं जल ही जीवन है। जंगल के जानवर हो या इंसानों की बस्ती, सभी को बारिश का इंतज़ार होता है, क्योंकि हमें पानी बारिश से ही मिलता है। बारिश के वजह से नदियाँ, तालाब, कुएँ पानी से भर जाते हैं, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं। जब बारिश होती है तो टप टपक की आवाज़ आती है। अब जब भी बारिश होगी तब आप ध्यान से बारिश की बूंदों की गिरने की आवाज़ सुनना। ओके चिल्ड्रेन, आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द स्टोरी। थैंक यू, टेक केयर।